students today that we deal with the fifth component of the alimentary canal, that is the intestines. What are the intestines? How you can define the intestines? It is a long muscular tube which starts from end of the stomach up to the anus. सो वट आर द इंटेस्टाइंस? इंटेस्टाइंस की अगर हम बात करेंगे, ये मैंने आपको बोला कि इट इज़ द फिफ्थ कंपोनेंट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल. इट इज़ अ लॉन्ग मस्क्यूलर ट्यूब, ये भी मसल्स का बना होता है. विच स्टार्ट इज फ्रॉम द एंड ऑफ द स्टोमक, तो कहाँ से ये स्टार्ट होता है? यहाँ से ये स्टार्ट होता है, दैट्स द एंड ऑफ द स्टोमक. यहाँ से अगर हम देखेंगे, यहाँ से फिर ये स्मॉल इंटेस्टाइंस है, फिर ये लार्ज इंटेस्टाइंस है, एंड इट एंड एट द एनस. तो यहाँ तक इंटेस्टाइंस होते हैं. तो अगर हम देखेंगे इंटेस्टाइंस के जो है, इंटेस्टाइंस के दो पार्ट्स है, दो पार्ट. अगर जो ये मस्क्यूलर ट्यूब की बात करेंगे, एक्चुअली इट गेट डिवाइडेड इन टू द टू पार्ट्स. द फर्स्ट वन इज दैट इज अ स्मॉल इंटेस्टाइन, इनको हम बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन. ये ड्यूडेनम है, ड्यूडेनम इलियम, तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन में आते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन. और एंड द सेकेंड पार्ट इज दैट इज द लार्ज इंटेस्टाइन. लार्ज इंटेस्टाइन्स की अगर हम बात करेंगे, तो इट स्टार्ट फ्रॉम द सीकम, देन असेंडिंग कोलन, देन ट्रांसवर्स कोलन, डिसेंडिंग कोलन, सिग्मॉइड colon, rectum and anus. So first we deal with the first part of the intestine, that is the small intestines. स्मॉल इंटेस्टाइंस, फिर से बोलूंगा मैं, जो इंटेस्टाइन है इसके दो पार्ट है. द फर्स्ट पार्ट इज दैट इज अ स्मॉल इंटेस्टाइन, एंड द सेकेंड पार्ट ऑफ द इंटेस्टाइन दैट इज अ लार्ज इंटेस्टाइन. लार्ज इंटेस्टाइन. नाउ what are how we can define the small intestine, why we call these as the small intestines. तो स्टूडेंट्स, क्या होता है स्मॉल इंटेस्टाइन? स्मॉल इंटेस्टाइन को इसलिए स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं बिकॉज इट इज सो कॉल्ड बिकॉज इट हैज़ अ स्मॉल डायामीटर. इसका जो डायामीटर होता है वो स्मॉल होता है. अप्रॉक्सीमेटली अगर हम इसकी डायामीटर की बात करेंगे, इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली अगर हम देखेंगे इसका डायामीटर कितना होता है, 1.5 सेंटीमीटर इसका डायामीटर होता है इन न्यू बॉर्न बेबी में. अगर हम बॉर्न बेबी, तो न्यू बॉर्न बेबी की अगर हम बात करेंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन का डायामीटर कितना होता है, इफ़ इट इज़ अ स्मॉल इंटेस्टाइन, इसका डायामीटर अगर हम देखेंगे, ये है इसका ल्यूमन का डायामीटर, तो वो मैंने आपको बोला 1.5 सेंटीमीटर होता है. तो अगर हम देखेंगे आफ्टर 35th, ये तो 35th गेस्टेशन पीरियड, जब गेस्टेशन पीरियड का मतलब है व्हेन देयर विल बी द डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो. मगर अगर हम देखेंगे एडल्ट फॉर्म में कितना होता है, इसका डायामीटर की बात करेंगे इन द एडल्ट्स, इट इज़ अबाउट, अगर हम देखेंगे इट इज़ अबाउट 2.5 to 3 सेंटीमीटर होता है. दैट इज़ अबाउट 1 इंच होता है. कितना होता है? 1 इंच होता है इसका डायामीटर इन द अडल्ट्स. सो स्मॉल इंटेस्टाइन्स को इसलिए स्मॉल इंटेस्टाइन, इट इज़ सो कॉल्ड बिकॉज इट हैज़ अ स्मॉल डायामीटर. मगर अगर हम देखेंगे स्मॉल डायामीटर की, मैंने आपको बोला न्यू बॉर्न बेबीज अप टू द जब जेस्टेशन पीरियड 35th वीक तक पहुँचता है, तब स्मॉल इंटेस्टाइन तो बने होते हैं. तो अब अगर हम देखेंगे एट दैट टाइम इट इज़ डायामीटर इज़ अबाउट 1.5 सेंटीमीटर, बट इन अडल्ट इट इज डायामीटर इज 2.5 to 3 सेंटीमीटर, नियरली अबाउट 1 इंच. गोया कि ये बहुत बड़ा होता है इन अडल्ट में एज कंपेयर टू दैट ऑफ द न्यू बॉर्न बेबीज. सो आपको याद रखना है, अगर हम बोलते हैं इंटेस्टाइन के दो पार्ट है, दैट इज द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन. स्मॉल इंटेस्टाइन को स्मॉल इंटेस्टाइन इसलिए बोलते हैं बिकॉज ड्यू टू द स्मॉल डायामीटर ऑफ द ल्यूमन. ल्यूमन का ये स्मॉल डायामीटर होता है, इसलिए इसको हम बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन, इसको इसलिए हम बोलते हैं. तो अगर हम देखेंगे जो ये लेंथ होती है, लेंथ अक्रॉस अगर हम लेंथ की बात करेंगे, चाहे वो स्मॉल इंटेस्टाइन हो लार्ज इंटेस्टाइन, इसकी लेंथ कितनी होती है? इसकी लेंथ की बात अगर हम करेंगे, लेंथ ऑफ द इंटेस्टाइन इज कोरिलेटेड विद द हाइट. ये आपको याद रखना है, हम ये कोरिलेट हाइट के साथ कर रहे हैं. किसी का भी इंडिविजुअल, किसी इंडिविजुअल की अगर हम बात करेंगे, हम उसकी अगर हाइट देखेंगे तो उसका इंटेस्टाइन वैसे ही होगा, एंड नॉट विद द वेट. हम कभी भी नहीं
वेट पे नहीं बोलता है, जिसका फॉर एग्जांपल अगर कोई 100 kg होगा तो हम ये बोलेंगे ये इसका 100 kg है, तो इसका जो ये स्मॉल इंटेस्टाइन या लार्ज इंटेस्टाइन इसका वो बहुत बड़ा होगा, नहीं। एक्चुअली वी नेवर कोरिलेट इट विद द वेट, वी ऑलवेज कोरिलेट इट विद द हाइट ऑफ एन इंडिविजुअल। सो अगर हम देखेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन की अगर हम लेंथ की बात करेंगे, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, इट इज अबाउट 6.25 meters। कितनी होती है? 6.25। इस 6.25 meters में क्या क्या आता है? इसमें ड्यूडेनम भी आता है, फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, इसमें जेजनम भी आता है और ईलियम भी आता है, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन को तीन, वो तो मैं इसके बाद बोलूंगा नियरली अबाउट। अगर कोई बोलेगा व्हाट इज द लेंथ ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, इट इज 6.25 meters, नियरली अबाउट 20 feet की इसकी लेंथ होती है स्मॉल इंटेस्टाइन की। नाउ व्हाट अबाउट द पार्ट्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन? सो देयर आर थ्री पार्ट्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। कितने पार्ट्स हैं? पार्ट्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन। तो अगर हम देखेंगे इसके तीन पार्ट्स हैं। द फर्स्ट पार्ट इज कॉल्ड एज द डियोडनम, डियोडनम। द सेकंड पार्ट इज कॉल्ड एज द जेजुनम, जेजुनम। एंड द थर्ड पार्ट इज कॉल्ड एज द इलियम। तो थर्ड पार्ट कौन सा है? इलियम। फर्स्ट पार्ट कौन सा है? डियोडनम। सेकेंड पार्ट इज दैट इज द जिजनम एंड द थर्ड पार्ट इज कॉल्ड एज द इलियम। सो स्मॉल इंटेस्टाइन के तीन पार्ट है। तो मैंने यहाँ पे दिखाया जो फर्स्ट पार्ट है जो स्टोमक के साथ यहाँ से मिल रहा है, दैट इज व्हाट वी कॉल इज द ड्यूओडेनम। फिर यहाँ से अगर हम देखेंगे, अगर हम ये देखेंगे ये जिजनम है, तो लास्ट पार्ट की अगर हम बात करेंगे तो वो तो इलियम है जो लार्ज इंटेस्टाइन के साथ मिल जाता है। नाउ व्हाट अबाउट द ड्यूओडेनम? सो वट अबाउट द डिओडेनम? डिओडेनम एक्चुअली इट कम्स, इट इज़ अ लैटिन वर्ड। डिओडेनम जो है लैटिन वर्ड है। ये कहाँ से, इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है? एक्चुअली द वर्ड कम्स फ्रॉम द ग्रीक ओरिजिन वर्ड, तो विच वी कॉल एज अ डोडिका, डोडिका डैक्टुलॉन, डोडिका डैक्टुलॉन। तो एक्चुअली ये वर्ड जो है इट कम्स फ्रॉम द ग्रीक ओरिजिन वर्ड, दैट इज अ डोडिका डैक्टुलॉन। ये जो आप ड्यूडेनम यहाँ पे देखते हो ना, इट्स अ लैटिन वर्ड, ये यहाँ से आया है। सो इट गेट ओरिजिनेटेड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड विच मीन्स, एक्चुअली अगर हम इसकी बात करेंगे डोडिका डैक्टुलॉन, इट मीन्स द 12 fingers। क्या इसका मतलब होता है? 12 fingers। अब ये इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे जो 12 ये उंगलियां होती है तो 12 fingers होते हैं, नहीं। एक्चुअली अगर हम देखेंगे इट्स द शॉर्टेस्ट पार्ट एंड इट इज़ अबाउट नियरली अबाउट 12 cm इन द लेंथ। ये लेंथ की अगर हम बात करेंगे, सो व्हाट इज द डिओडेनम? ये था ऑरिजिन। डिओडेनम एक्चुअली इज अ लैटिन वर्ड, कम्स फ्रॉम द ग्रीक ऑरिजिन वर्ड, दैट इज अ डोडिका डैक्टुलॉन विच मीन्स द 12 fingers। था क्या मतलब होता है 12 fingers? नाउ व्हाट इज द डिओडेनम? डिओडेनम की अगर हम बात करें, इट इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। सो ड्यूओडेनम, ड्यूओडेनम, ड्यूओडेनम इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ, क्या लिखूंगा, फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। अगर हम इसकी शेप देखेंगे, व्हाट इज द शेप ऑफ ड्यूओडेनम? इट इज अ सी शेप्ड। क्या होता है? सी शेप्ड होता है ये। तो इसकी लेंथ अगर हम देखेंगे, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द ड्यूओडेनम? मैंने आपको पहले ही बोला इट इज 12 cm इन लेंथ। कितना होता है? ओनली 12 cm इन लेंथ। सो इट इज द शॉर्टेस्ट, मैं यहाँ पे लिखूंगा दैट इज द शॉर्टेस्ट, शॉर्टेस्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। अगर हम देखेंगे इसके साथ कौन सा और कौन सा स्ट्रक्चर इसके साथ अटैच होता है, तो उसको हम बोलते हैं हिपैटो, हिपैटो पेनक्रियाटिक, पेनक्रियाटिक एम्पुला जो होता है, एम्पुला, एम्पुला दैट ओपनस इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन विच वी कॉल एज अ ड्यूओडेनम। तो ये कैसे आपको समझ आ जाएगा, ये हिपैटोपैनक्रियाटिक एम्पुला कैसे आपको समझ आ जाएगा? मैं यहाँ पे थोड़ा बहुत डायग्राम बनाऊंगा ताकि आपको फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन अच्छी तरीके से आपको समझ आ जाए कि ये कैसे मिल जाता है, इसके साथ हिपैटोपैनक्रियाटिक एम्पुला कैसे मिल जाता है। फॉर एग्जाम्पल ये मैंने यहाँ पे इसोफेगस बनाया, ये मैंने यहाँ से स्टोमक बनाया, क्योंकि अब मैं तो ये बड़ा दिखाऊंगा। ये अगर हम देखेंगे इट इज़ द फर्स्ट पार्ट, इट इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन विच वी कॉल एज द ड्यूओडेनम। अब यहाँ से देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ से क्या होता है, यहाँ से अगर हम यहाँ से देखेंगे, यहाँ से बाइल डक्ट आता है। बाइल डक्ट जो होता है वो कहाँ से आता है? वो लिवर से आता है। ये लिवर है, तो मैंने यहाँ पे लिखा इट इज़ अ लिवर। अगर हम यहाँ से देखेंगे, यहाँ से क्या होता है, यहाँ से पैनक्रियाज होता है, क्योंकि अब मैं ऐसे ही दिखा रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। तो ये
ये जो पैनक्रियाटिक डक्ट है और ये जो बाइल डक्ट है, इट्स अ बाइल डक्ट। बाइल डक्ट कम्स फ्रॉम द लिवर, पैनक्रियाटिक डक्ट कम्स फ्रॉम द पैनक्रियास, इट्स अ पैनक्रियास। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा ये पैनक्रियास है, ये पैनक्रियास है और ये लिवर है। ये मैंने दिखाया, इसका भी अपना डक्ट है, वी कॉल्स द बाइल डक्ट। क्या बोलते हैं? इज द बाइल डक्ट। इसका भी अपना डक्ट है, इसको हम बोलते हैं पैनक्रियाटिक डक्ट। अब जब ये दोनों मिल जाते हैं, बाइल डक्ट बाइल से या यहाँ से आता है, लिवर से आता है, पैनक्रियाटिक डक्ट पैनक्रियास से आते हैं, ये मिल जाते हैं एंड इट ओपन इन टू द फर्स्ट फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन विच वी कॉल एज अ ड्यूओडेनम। सो इट इज अ ड्यूओडेनम। मैंने पहले ही आपको बोला ड्यूओडेनम जो है सी शेप्ड है। तो इसमें क्या, कौन सा स्ट्रक्चर, ये कौन सा स्ट्रक्चर रिसीव करता है, उसको हम बोलते हैं एम्पुल ऑफ वाटर, या बोलते हैं हिपैटो हिपैटो पैनक्रियाटिक एम्पुला, ये रिसीव करता है। सो द स्मॉल इंटेस्टाइन, सो द फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, इट रिसीव्स द जूसेस फ्रॉम द लिवर, दैट इज अ बाइल जूस, एज वेल एज दैट इट रिसीव्स द जूसेस फ्रॉम द पैनक्रियास, वी कॉल इज अ पैनक्रियाटिक जूस। सो इट टेक्स बोथ द जूस, बाइल जूस पैनक्रियाटिक जूस, बाय अ स्ट्रक्चर विच वी कॉल्स अ हिपैटो पैनक्रियाटिक एम्पुला विच ओपनिज इन टू द फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, विच ओपनिज इन टू द फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन विच वी कॉल एज अ ड्यूओडेनम। क्या बोलते हैं? ड्यूओडेनम। इतना ही नहीं, अगर हम देखेंगे जो ये फर्स्ट पार्ट ऑफ ए स्मॉल इंटेस्टाइन है, तो अगर हम देखेंगे तो ये मेन साइट होती है जहां पे आयरन एब्जॉर्ब होता है। सो स्टूडेंट्स, आपको ये समझ आया होगा व्हाट इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन कॉल्ड, वी कॉल्स द ड्यूओडेनम। ड्यूओडेनम इज द फर्स्ट पार्ट। तो मैंने आपको बोला इट इज लेंथ इज 12 सेंटीमीटर, इज द स्मॉलेस्ट पार्ट, इट इज सी शेप्ड एंड इट रिसीव्स द हिपैटोपैनक्रियाटिक एम्पुला विच ओपनस इन टू द फर्स्ट पार्ट ऑफ द यू नो स्ट्रक्चर, दैट इज वट वी कॉल्स इट ड्यूओडेनम। तो इट इज द मेन साइट वेयर द आयरन गेट्स एब्जॉर्ब। नाउ कम अपॉन द सेकेंड यू नो पार्ट ऑफ द इंटेस्टाइन। सो द सेकेंड पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन इज दैट इज जेजुनम। जेजुनम एक्चुअली इट इज ऑल्सो अ लैटिन वर्ड। क्या है? लैटिन वर्ड विच मीन्स जेजुनस, जेजिनस, जेजुनस, गॉट इट? इट मीन जेजुनस। जेजुनस का मतलब होता है फास्टिंग। क्या होता है? फास्टिंग। बिकॉज दिस पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन वॉज फ्रीक्वेंटली फाउंड टू बी द वॉइड ऑफ द फूड फॉलोइंग डेथ ड्यू टू द इंटेंसिव पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। इसमें अगर हम देखेंगे, इसमें पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट ज़्यादा होता है या पेरिस्टाल्टिक एक्टिविटी ज़्यादा होती है रिलेटेड टू द ड्यूडेनम एंड द इलियम। सो एक्चुअली दैट इज व्हाट वी कॉल्स द फास्टिंग। अगर हम देखेंगे इसका साइज, डायमीटर इसका कितना है, डायमीटर पहले मैं आपको बोलूंगा, डायमीटर ऑफ द जेजुनम एक्चुअली इट इज द 4 सेंटीमीटर। डायमीटर ऑफ व्हाट? डायमीटर ऑफ द ल्यूमन। सो अगर हम देखेंगे ल्यूमन का डायमीटर कितना है, वो 4 सेंटीमीटर होता है जेजुनम। जेजुनम की अगर हम बात करेंगे सेकंड पार्ट, पहले मैंने आपको बोला ड्यूओडेनम, ड्यूओडेनम के बीच में अगर हम देखेंगे जेजुनम, जेजुनम के बाद में अगर हम देखें इलियम। सो ड्यूओडेनम की अगर हम लोकेशन देखेंगे, इट ऑकर्स इन बिटवीन द ड्यूओडेनम एंड द इलियम। सो ड्यूओडेनम और इलियम के बीच में आता है, दैट इज अ जेजुनम। आया समझ में? तो इसका डायमीटर अगर हम देखेंगे 4 सेंटीमीटर होता है, मग बट वट इज अबाउट, वट अबाउट इट इज साइज? साइज की अगर हम बात करेंगे, इट इज साइज इज अबाउट 2.5 मीटर्स। इसका जो साइज है 2.5 मीटर्स लॉन्ग, दैट इज 8 फीट। कितना है? 8 फीट। बगर अगर हम इसकी बात करेंगे, ये जेजनम है यहाँ से, क्योंकि मैंने आपको बोला कि इट ऑकर्स बिटवीन द ड्यूडेनम एंड द इलियम, तो ये बीच में आता है, यहाँ पे पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स हाई होती है और इसका जो डायमीटर है 4 सेंटीमीटर, इसकी लेंथ जो है 2.5 मीटर, दैट इज अबाउट 8 फीट। जो ये जेजनम इट इज हाईली क्वाइल्ड, आपको ये पॉइंट्स हमेशा याद रखने हैं, इट इज हाईली क्वाइल्ड बिकॉज इट ऑलवेज आस्क इन द नीट एग्जामिनेशन, एम्स एग्जामिनेशन, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है ना स्टूडेंट्स, इसमें ये पूछा जाता है व्हाट इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, व्हाट इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। आया समझ में? तो इसकी आपको लोकेशन याद रखनी है, दैट इट ऑकर्स बिटवीन द ड्यूडेनम एंड द इलियम। अगर हम देखेंगे, ये ड्यूडेनम और इलियम के बीच में आ जाता है, तो याद रखिएगा इसका डायमीटर जो है 4 सेंटीमीटर है, अगर हम देखेंगे 2.5 मीटर लॉन्ग है, इट इज हाईली क्वाइल्ड। इसके बाद और एक स्ट्रक्चर आता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, दैट इज इलियम। सो और एक बात आप जेजुनम का याद रखिएगा, जेजुनम, जेजुनम का और एक बात आप याद रखिएगा कि इट इज मोर वैस्कुलर ड्यू टू हाई सप्लाई ऑफ द ब्लड।
मोर वैस्कुलर, तब जाके ये अगर हम देखेंगे ये रेड इन कलर होता है। क्या होता है? रेड इन कलर। नाउ द थर्ड पार्ट ऑफ द यू नो स्मॉल इंटेस्टाइन, दैट इज द ईलियम। तो ईलियम की अगर हम बात करेंगे, ये कहाँ से ये वर्ड आ गया? एक्चुअली इट कम्स फ्रॉम द ग्रीक ऑरिजिन वर्ड। कहाँ से आ गया? ग्रीक ऑरिजिन वर्ड है, ऑरिजिन वर्ड है ये, जिसको हम बोलते हैं आइलियन। क्या बोलते हैं? एलियन। एलियन, इलियम, एलियन वर्ड से आया गया। एलियम का मतलब क्या होता है? ट्विस्ट, ट्विस्ट अप टाइटली। ये बहुत ही टाइटली होता है, इसकी कॉइलिंग जो होती है वो बहुत ही होती है। तो अगर हम इसका डायमीटर देखेंगे, इसके ल्यूमन का डायमीटर, दैट इज द इलियम के डायमीटर, अगर हम देखेंगे इलियम के ल्यूमन का डायमीटर, इट इज़ अबाउट 3.5 सेंटीमीटर होता है। इसके जो वॉल्स होते हैं ना, वो बहुत ही थिक होता है। क्या होता है? थिक। अगर हम इसका साइज देखेंगे, लॉन्ग कितना है, इट इज़ अबाउट 3.5 मीटर्स लॉन्ग। कितना है? 3.5 मीटर्स लॉन्ग इतना होता है। तो नियरली अबाउट इट इज 12 फीट्स इन साइज, इन लेंथ इट इज 12 फीट। अगर हम देखेंगे इसकी लोकेशन क्या है, व्हाट इज द लोकेशन, सो इट इज द लास्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। क्या है? लोकेशन की बात करेंगे, लोकेशन इज द लास्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, लास्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन का ये लास्ट पार्ट होता है। और ये भी आप याद रखिएगा, क्योंकि मैंने आपको बोला है कि एलियन से आया है, ट्विस्ट अप टाइटली, तो इट इज हाईली कॉइल्ड। क्या है? हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर ये है। नाउ कम अपॉन द नियरो, देयर आर सर्टन यू नो नोड्स विच वी सी थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन्स। सो स्टूडेंट्स, अगर हम देखेंगे अब ये स्मॉल इंटेस्टाइन, मैं यहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन ही बनाऊंगा। अब अगर हम देखेंगे ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, फॉर एग्जाम्पल ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, इसमें क्या होते हैं? अलोंग द लेंथ ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन दैट इट कंटेन्स व्हाट? इट कंटेन्स द नोड्स, लिम्फ नोड्स। क्या क्या होता है इनमें? लिम्फ नोड्स होता है, विच न्यूट्रलाइज द यू नो पैथोजन्स। तो ये क्या करते हैं? दे ऑलवेज प्रोड्यूसेस द WBC विद द हेल्प ऑफ इट, दैट इट ऑलवेज न्यूट्रलाइज द पैथोजन विच एंटर्स इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। बट एट द मीन वाइल ऑफ टाइम, अगर हम कहीं कहीं पे इंटरवल्स पे देखेंगे, देयर वुड बी द क्लस्टर्स ऑफ द यू नो लिम्फ नोड्स। जैसे कि मैंने यहाँ पे क्लस्टर एक बनाया, क्लस्टर्स ऑफ द लिम्फ नोड्स, एंड वी कॉल दीज क्लस्टर्स एज, क्या बोलेंगे इन क्लस्टर्स को? पियर्स पैचेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पियर्स पैचेस। सो आपको याद रखना है, जिस तरीके से मैंने आपको बोला था लिंगुअल टॉन्सल्स, ट्यूबल टॉन्सल्स, इसी तरीके वो भी लिम्फेटिक नोड होते हैं। तो पियर्स पैचेस क्या होते हैं? लिम्फेटिक नोड्स होते हैं, जो क्या बनाते हैं? WBCS, विच हेल्प अस इन द इम्यून सिस्टम, विच हेल्प अस टू न्यूट्रलाइज द पैथोजन विच एंटर्स इन टू द स्मॉल इंटेस्टाइन। गो, अगर ये ड्यूओडेनम है, ये जीजनम है, तो आपको पता ही है ये ईलियम है। अलॉन्ग द लेंथ ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन देयर वुड बी द लिम्फेटिक नोड्स, बट एट द इंटरवल ऑफ दिस यू नो स्मॉल इंटेस्टाइन, व्हाट यू ऑब्जर्व द ग्रुप्स ऑफ दैट यू नो नोड्स, लिम्फेटिक नोड्स, एंड वी कॉल दीज ग्रुप्स एज ए पियर्स पैचेस। क्या बोलते हैं? पियर्स पैचेस। सो पियर्स पैचेस ऑलवेज यू नो प्रोड्यूसेस द WBC व्हिच हेल्प्स इन द न्यूट्रल, व्हिच हेल्प्स इन द न्यूट्रलाइजेशन ऑफ द pathogens. Apart from it, you know, lymphatic nodes, these, you know, small intestine, that it also contains a finger-like projection. तो यहाँ से मैं दिखाऊंगा, finger-like projections होते हैं, तो उनको हम बोलते हैं villi. Now, what is a villi? सो विलय किनको बोलेंगे? फॉर एग्जाम्पल मैं एक पोर्शन लूंगा स्मॉल इंटेस्टाइन का, फॉर एग्जाम्पल ये मैंने स्मॉल इंटेस्टाइन का एक पोर्शन लिया। तो अगर हम देखेंगे स्टूडेंट्स, इनमें क्या होता है? फिंगर लाइक या लीफ लाइक या टंग लाइक यू नो स्ट्रक्चर्स होते हैं, ऐसे होते हैं, एंड वी कॉल दिस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन एज द विलय, या एक को हम बोलेंगे विलस। तो अगर हम देखेंगे ये विलय होते हैं, विलय तो प्लूलर में है और विलस हम बोलते हैं सिंगुलर में। तो अगर हम एक विलस का देखेंगे, फॉर एग्जाम्पल इफ आई जस्ट टेक द एग्जाम्पल हियर, तो इफ आई विल जस्ट ड्रॉ इट, ये विलस है। तो इसमें क्या होते हैं? विलस में अंदर से अगर हम देखेंगे लैक्टील होते हैं, तो लैक्टील किनको बोलेंगे? लैक्टील जो होते हैं, लैक्टील्स, LACTEALS, लैक्टील्स, जो लैक्टील होते हैं ना, लैक्टील, लैक्टील लिम्फ वैसल होते हैं। क्या होते हैं? लिम्फ वैसल। तो इसके इर्द गिर्द अगर हम देखेंगे, क्योंकि मैंने यहाँ पे एक दिखाया विल्लस, तो इसके इर्द गिर्द अगर हम देखेंगे ब्लड सप्लाई होती है, ऐसे अंदर से मैं दिखा रहा हूँ। तो इसके ऊपर क्या होते हैं? इसके ऊपर एपिथिलियल कवरिंग होती है, जिनको हम माइक्रोविलाइज बोलते हैं, माइक्रोविलाइज। तो ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन क्या काम करती है? दैट इट हेल्प्स इन द एब्जॉर्प्शन, इट इंक्रीजेस द सरफेस एरिया। ये क्या करता है? सरफेस एरिया ऑफ
एरिया ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन्स का ही बढ़ाते हैं, तो इट इंक्रीजेस द सरफेस एरिया ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो इतना ही नहीं, जो विलाई होता है, एक तो ये सरफेस एरिया ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन का इंक्रीज करता है, और दूसरा जो भी यहाँ पे डाइजेशन मटेरियल होता है वो अंदर जाता है। फॉर एग्जाम्पल एमिनो एसिड्स अंदर जाते हैं तो वो ब्लड में जाते हैं। इसी तरीके से बिकॉज डाइजेशन द कंप्लीट डाइजेशन ऑकर्स इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, व्हेन देयर विल बी द डाइजेशन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, व्हेन देयर विल बी द डाइजेशन ऑफ फूड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, द माइक्रो मॉलिक्यूल्स दैट दे एंटर थ्रू द माइक्रोविलाई एंड एंटर्स इनटू द ब्लड स्ट्रीम, यहाँ पे ब्लड स्ट्रीम में जाते हैं या जाते हैं लैक्टील में, जैसे कि अमीनो एसिड इट इज द माइक्रो मॉलिक्यूल ऑफ द प्रोटीन। इसी तरीके से फैटी एसिड या ग्लिसरॉल की बात करेंगे, इट इज द माइक्रो मॉलिक्यूल ऑफ द लिपिड, इट एंटर्स इनटू द लैक्टील, गॉट इट। या इसी तरीके से अगर हम देखेंगे ग्लूकोज फ्रुक्टोज, आया समझ में, तो वो भी ब्लड वेसल में जाता है। सो अगर हम देखेंगे यहाँ से माइक्रोविलाई जो होता है इट इज प्रेजेंट ऑल ओवर द स्मॉल इंटेस्टाइन एक्सेप्ट एट अ पॉइंट वेयर द पियर्स पैचेस आर प्रेजेंट। मैंने आपको बोला जहां जहां पे, क्योंकि पियर्स पैचेस आर द लिम्फेटिक नोड्स, ये फॉर एग्जांपल ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन, यहां पे पियर्स पैचेस है, तो यहां तक होंगे मगर यहां पे विलाई नहीं होंगे, फिर से होंगे मगर यहां पे पियर्स पैचेस पे स्मॉल इंटेस्ट, ये माइक्रो विलाइज है, विलाइज नहीं होते हैं। तो आपको याद रखना है कि जो विलाई होते हैं, विलाई विलाई आर द स्मॉल, दीज आर द यू नो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, लीफ लाइक प्रोजेक्शन, टंग लाइक प्रोजेक्शन विच वी सी अलोंग द लेंथ ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, बट द विलाई दैट दे आर एब्सेंट एट द प्लेसेस वेयर द पेयर्स पैचेस आर प्रेजेंट। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द विलाई? विलाई हेल्प अस इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ द फूड। व्हाट टाइप ऑफ फूड? डाइजेस्टेड फूड लाइक अमीनो एसिड, लाइक फैटी एसिड, लाइक ग्लिसरॉल, लाइक ग्लूकोज, इट ऑल एंटर्स इन टू द ब्लड स्ट्रीम वेयर इट गेट ट्रांसपोर्ट टू अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी, गॉट इट। तो ये था विलाई, विलाई के बारे में, यार विलस के बारे में, व्हाट इज द विलस, विलाई क्या होता है, विलाई को ऊपर से क्या होती है, एपिथेलियल कवरिंग होती है, एपिथेलियल कवरिंग होती है, या जिनको हम माइक्रोविलाइज भी बोलते हैं, अंदर से क्या होता है, लैक्टील होता है, ब्लड वेसल्स होता है। अपार्ट फ्रॉम इट, ये हम क्या स्मॉल इंटेस्टाइन में हम और एक चीज को देखते हैं, तो उनको हम बोलते हैं प्लैका सर्कुलरिस। क्या होते हैं प्लैका सर्कुलर, तो क्या और एक स्ट्रक्चर हम जो स्मॉल इंटेस्टाइन, फॉर एग्जाम्पल इफ इज अ स्मॉल इंटेस्टाइन, तो अगर हम ये विल्लाई होते हैं तो इट इज अ विल्लाई, तो यहां से भी विल्लाई होता है। इसी तरीके से और एक स्ट्रक्चर होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो वो हाई फोल्डस होता है, ऐसे भी फोल्डस होते हैं इनमें, तो उन फोल्डस को अगर हम देखेंगे क्या बोलते हैं उन फोल्डस को, उन फोल्डस को हम बोलते हैं प्लासी, डैश द प्लासी सर्कुलरिस। क्या बोलते हैं? प्लासी सर्कुलरिस, दीज आर द म्यूकस मेम्ब्रेन फोल्ड्स। अगर हम देखेंगे सर्कुलर फोल्ड्स ऑफ द म्यूकस मेम्ब्रेन, म्यूकस मेम्ब्रेन के ये बने होते हैं, या इनको हम क्या बोलते हैं, वेल्व्स ऑफ कैकरिंग्स। क्या बोलते हैं? ऑल्सो कॉल्ड एज द वेल्व्स ऑफ कैकरिंग्स। क्या बोलते हैं? वेल्व्स ऑफ। अगर हम देखेंगे ये प्रोमिनेंट कहाँ पे होता है, प्रोमिनेंट अगर हम देखेंगे जेजनम में होता है, तो ये यहाँ पे ज्यादा होता है जेजनम। जेजनम इज द इंटर में, इट इज द मिडल पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन विच लाइज इन बिटवीन द ड्यूडेनम एंड द इलियम। ये इन दोनों के बीच में होता है। इनका काम क्या रहता है? इनका जो काम है, इनका एक ही काम है, दैट इज इट हेल्प इन द एब्जॉर्प्शन, या ये एब्जॉर्प्टिव सर्फेस बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एब्जॉर्प्टिव सर्फेस। किसके लिए एब्जॉर्प्टिव सर्फेस बनाते हैं? एब्जॉर्प्टिव सर्फेस ऑफ वेरियस मटेरियल जो ऑलरेडी डाइजेस्टेड होता है, किसमें? स्मॉल इंटेस्टाइन में। नाउ स्टूडेंट्स दैट यू एक्वाइंट रिगार्डिंग द स्ट्रक्चर ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन हैज थ्री पार्ट, दैट इज द ड्यूडेनम, जिजनम, इलियम। अपार्ट फ्रॉम इज दैट इट कंटेन्स द लिम्फेटिक नोड समटाइम्स एट द इंटरवल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, दैट इट कंटेन्स द पैचेस ऑफ द नोड्स विच वी कॉल द पेयर्स ऑफ पैचेस। अपार्ट फ्रॉम इट द सेकंड स्ट्रक्चर विच वी ऑब्जर्व इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, दैट इज द विलाई। विलाईज आर द फिंगर लाइक, लीफ लाइक और टंग लाइक प्रोजेक्ट। It increases the surface area of the small intestine. Not only that, it helps in the absorption of the digested food. Apart from it, that we also observe that the small intestine, that it contains the circular folds of the mucous membrane, and these circular folds is called as a plaquae circularis, a valves of the cafferings, which helps in the absorption of the food because it increases the absorptive surface of the small intestine. So now, what is the anatomy? So topic, the second topic is that is the anatomy of small intestines. स्मॉल इंटेस्टाइन की अगर हम बात करेंगे या इंटेस्टाइन की बात करेंगे वो,
तो स्मॉल इंटेस्टाइन की अगर हम बात करेंगे, व्हाट इज द एनाटॉमी, इसका हिस्टोलॉजी क्या है, तो अगर हम देखेंगे अगेन दैट द यू नो स्मॉल इंटेस्टाइन दैट इट कंटेन्स यू नो सेवरल लेयर्स, इसमें पहला लेयर जो होता है यहां से दिखाऊंगा, फॉर एग्जाम्पल ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन का मुझे ये देखना है इसमें ये किसका बना होता है, बिकॉज इट इज अ ल्यूमन, ये आपको पता है ये ल्यूमन है, खाली जगह है, मगर इसकी लेयर में कौन कौन आता है, ये किस किन 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 लेयर से बना होता है स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन का मुझे ये देखना है ये लेयर किसकी बनी होता है, तो एक्चुअली जो स्मॉल इंटेस्टाइन है दैट इट कंसिस्ट ऑफ द सेवरल लेयर, द फर्स्ट वन इज दैट इज द सरोसा, अगेन बिकॉज मैंने कल के टॉपिक में भी आपको यही बोला था दैट इज द स्ट्रक्चर एनाटॉमी से यू नो स्ट्रक्चर्स ऑफ द यू नो स्टमक, इसी तरीके से मैं पहला बोलूंगा, अगर ये है तो पहला लेयर अगर हम देखेंगे इसका जो पहला लेयर निकलता है दैट इज द सरोसा, व्हाट इज द सरोसा, सरोसा इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, सरोसा जो है आउटर मोस्ट लेयर है किसकी, तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन, एंड एक्चुअली इट फॉर्म्स द पेरिटोनियल कोट, किसका, पेरिटोनियल कोट, तो ये मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है दैट इट इज मेड अप ऑफ द मीसोथीलियम, ये मैंने यू नो स्टोमक में आपको पता है ये पेरिटोनियल कोट का बना होता है, पेरिटोनियल कोट ऑफ व्हाट, सेरस मेम्ब्रेन, सेरस मेम्ब्रेन मेम्ब्रेन, एक्चुअली इट गेट डिफरेंशिएटेड इन द टू लेयर्स, आउटर लेयर एंड इनर लेयर, आउटर पैराइटल लेयर एंड इनर विसरल लेयर, आउटर पैराइटल लेयर की अगर हम बात करेंगे वो भी मेसोथीलियम का बना होता है, इनर पैराइटल इनर विसरल लेयर की बात करेंगे वो भी किसका बना होता है, ये मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है, किसमें, ये मैंने एनाटॉमी ऑफ स्टोमक में मैंने डिस्कस किया है, द सेकंड लेयर इज दैट इज द मस्कुलरस लेयर, मस्कुलरस लेयर की अगर हम बात करेंगे, मस्कुलर ये पहला पहला लेयर थी, दूसरी लेयर की अगर हम बात करेंगे ये सरोसा था, सरोसा, द सेकंड लेयर इज दैट इज द मस्कुलरस लेयर, तो मैं यहां पे सरोसा दूसरी लेयर दिखा रहा हूं, मस्कुलरस लेयर, मस्कुलरस लेयर किसकी बनी होती है, मसल्स की, मसल फाइबर्स की बनी होती है, किसकी बनी होती है, मसल फाइबर्स, तो मसल फाइबर्स में यहां पे दो ही तरीके के मसल्स होते हैं, आउटर लॉन्गिट्यूडनल मसल, ये लॉन्गिट्यूडनल मसल है, लॉन्गिट्यूडनल INAL लॉन्गिट्यूडनल मसल, और दूसरी जो मसल होती है वो होती है सर्कुलर मसल, तो सर्कुलर मसल्स होते हैं, तो लॉन्गिट्यूडनल मसल्स एंड सर्कुलर मसल फॉर्म इज द मस्कुलर लेयर, सो मसल लेयर इज द लेयर विच इज मेड अप ऑफ द मसल फाइबर, तो ये सर्कुलर मसल है, सर्कुलर मसल, आउटर लॉन्गिट्यूडनल मसल, तो यहाँ पे ओब्लिक मसल नहीं होते क्योंकि मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है एनाटॉमी ऑफ स्टोमक, वो ओब्लिक मसल स्किन में होते हैं, वो होता है सिर्फ स्टोमक में, तो इंटेस्टाइन रेस्ट ऑफ द स्मॉल यू नो एलिमेंट्री कैनाल कंटेन्स ओनली टू टाइप्स ऑफ द मसल्स, लॉन्गिट्यूडनल सर्कुलर एक्सेप्ट ओब्लिक मसल विच इज प्रेजेंट इन द स्टोमक, सो इट फॉर्म्स द मसल लेयर, तो मैं यहाँ से दिखाऊंगा ये मसल लेयर बनाता है, मसल लेयर इज द लेयर विच इज मेड ऑफ द मसल फाइबर, तो ये मसल कोट है या मसल लेयर है, द थर्ड लेयर अगर हम देखेंगे, नहीं पहले मैं यहां पे आपको समझाने की एक कोशिश करूंगा, यहां पे एक प्लक्सस होता है, फॉर एग्जांपल ये मैंने लेयर बनाया लॉन्गिट्यूडनल लेयर, आउटर लॉन्गिट्यूडनल मसल्स एंड सर्कुलर मसल, मगर यहां पे क्या होता है, यहां पे आपको सीखना है, अगर ये मैंने यहां से बनाया लॉन्गिट्यूडनल मसल्स बनाया, तो ये अंदर से सर्कुलर मसल, इन बीच इन दोनों के बीच में क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल्स में क्या होता है, प्लक्सस होता है, क्या होता है, प्लक्सस, सर अब आप बोलोगे प्लक्सस किनको बोलेंगे, प्लक्सस एक्चुअली इट इज व्हाट वी कॉल अ प्लक्स, जो होता है नेटवर्क होता है, क्या होता है, नेटवर्क होता है, किनका होता है नेटवर्क, ये नर्व्स का नेटवर्क होता है, नर्व्स एंड सिंपैथेटिक एंड पैरासिंपैथेटिक, पैरा सिंपैथेटिक नर्व्स, पैरा सिंपैथेटिक नर्व्स, सिंपैथेटिक नर्व्स का होता है नेटवर्क, वो कहाँ पे होता है नेटवर्क, वो यहाँ पे होता है, गोया कि इसमें क्या होते हैं नर्व्स और पैरासिंपैथेटिक नर्व्स होता है, और ये प्लक्स जो है इस वाले प्लक्स को हम क्या बोलते हैं, और बैच प्लक्स इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वी कॉल दिस एज द और बैच BACHS और बैच प्लक्स या मायन्ट्रिक प्लक्स बोलते हैं, मायन्ट्रिक प्लक्स क्या बोलते हैं, मायन्ट्रिक TRIC मायन्ट्रिक प्लक्स बोलते हैं, ये याद रखना है सर, इनका काम क्या होता है यहाँ पे प्लक्सस, क्योंकि मैंने आपको बोला है एक्चुअली प्लक्सस इज अ नेटवर्क ऑफ द नर्व्स एंड द पैरासिंथेटिक नर्व्स, है ना, इन दो ये नर्व्स का न्यूरॉन्स का बना होता है ये प्लक्सस, विच ऑकर्स इन बिटवीन द लॉन्गिट्यूडनल मसल फाइबर एंड सर्कुलर मसल फाइबर के बीच में होता है, इनका काम क्या होता है, इनका काम ये होता है इट कंट्रोल्स द पेरिस्टाल्सिस, क्या, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स को ये कंट्रोल करते हैं, व्हाट्सएप के में
इट इज द वेव कॉन्ट्रैक्शन, बिकॉज यू नो वेरी वेल दैट इट इज मेड अप ऑफ द स्मूथ मसल। स्मूथ मसल्स क्या होते हैं? इनवॉलेंट्री मसल्स होते हैं, जो अंडर द विल ऑफ ह्यूमन बींग्स नहीं होते हैं, जो खुद काम करते हैं। सो इट कंट्रोल्स द पेरिस्टाल्टिक, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट इज द वेव लाइक कंट्रक्शन ऑफ द मसल्स। सो ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट ऑफ एलिमेंट्री दैट इज अ स्मॉल इंटेस्टाइन्स को कंट्रोल में करते हैं। कब करना है, कब नहीं करना है, दैट इट डिपेंड्स अपॉन द आर्च बैक्स और मायएंट्रिक, यू नो प्लक्सस। व्हाट इज द प्लक्स? प्लक्स इज द नेटवर्क ऑफ द नर्व्स एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स। इसके बाद क्या होता है, क्या है कि अगर हम देखेंगे पहला स्ट्रक्चर सेरोस लेयर, इट इज मेड अप ऑफ द सेरस मेम्ब्रेन। द सेकंड लेयर इज द मसल लेयर। मसल लेयर कंटेन्स द लॉन्गिट्यूडिनल मसल एंड सर्कुलर मसल, बट इन बिटवीन द लॉन्गिट्यूडिनल एंड सर्कुलर मसल इट कंटेन्स द यू नो प्लक्सस। एंड व्हाट इज द, व्हाट आर द प्लक्सस? नेटवर्क ऑफ नर्व्स एंड द पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स। सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड द ऑरिबैक्स प्लक्स और मायएंट्रिक प्लक्स। इट कंट्रोल्स द पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। नाउ अगेन द थर्ड लेयर, पहला था सरोसा, दूसरी लेयर जो थी मसल लेयर, थर्ड लेयर जो प्रेजेंट होता है, थर्ड लेयर को हम क्या बोलते हैं? सब म्यूकोसल लेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सब म्यूकोसल लेयर। तो मैं यहां से इसको रब कर रहा हूं, तो मैं यहां से लिखूंगा इट्स अ प्लक्स, प्लक्स। तो यहां पे मैंने दिखाया द थर्ड लेयर इज कॉल्ड एज द व्हाट वी कॉल दैट इज द लेयर ऑफ द सब म्यूकोसा। तो सब म्यूकोसा लेयर यहां से प्रेजेंट होता है, तो मैं इसको ऐसे बनाऊंगा। सो इट इज द म्यूकोसा लेयर, तो मैं यहां से दिखाऊंगा ये म्यूकोसा लेयर होता है, सब म्यूकोसा लेयर, सॉरी। तो ये सब म्यूकोसल लेयर होता है, यहाँ पे मैंने दिखाया ये सब म्यूकोसल लेयर होता है। तो ये लैक्टील से ये माइक्रोविलाय, माइक्रोविलाय में लैक्टील्स होता है। तो सब म्यूकोसल लेयर क्या होता है? एक्चुअली दिस लेयर, तो यहाँ से लिखूंगा सब म्यूकोसा, म्यूकोसा लेयर। ये सब म्यूकोसल लेयर जो होता है ये किनका बना होता है? ये एरियोलर टिश्यू का बना होता है। कल भी मैंने आपको एनाटमी ऑफ यू नो स्टमक में बोला था एरियोलर टिश्यू इज द लूज कनेक्टेड टिश्यू, बट दिस लेयर इट इज हाईली सप्लाइड विद द ब्लड। किसके साथ? हाईली सप्लाइड, इट इज हाईली सप्लाइड विद द ब्लड, विद द ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स इसमें ज्यादा होते हैं। एंड सम एरियाज दैट इट कंटेन्स द ग्लैंड्स, इट ऑल्सो कंटेन्स द ग्लैंड्स। क्या होते हैं इनमें? किसी किसी एरिया में अगर हम देखेंगे ग्लैंड्स भी प्रेजेंट होते हैं, तो इनमें ग्लैंड्स भी प्रेजेंट होते हैं। तो अगर हम देखेंगे इतना ही नहीं, दैट इट कंटेन्स द ब्लड वेसल्स, इट कंटेन्स द सम एरियाज, दैट इट कंटेन्स द ग्लैंड एज वेल एज दैट इट ऑल्सो कंटेन्स द लिम्फैटिक वेसल्स, इनमें लिम्फैटिक वेसल। सो दिस लेयर इट इज हाईली वैस्क्यूलर। क्या होता है? वैस्क्यूलर होता है। तो अगर हम देखेंगे इसके बाद जो है दैट इज और एक प्लक्स आता है, तो जिसको हम बोलते हैं मिजनर्स प्लक्स। क्या बोलते हैं? मिजनर्स प्लक्स। कहाँ पे मिजनर्स प्लक्स होता है? तो मैं भी आपको बोलूंगा। तो ये था सब म्यूकोसल लेयर, तो थोड़ा बहुत मैं अगर यहां से ये राबी करूंगा तो ये पता चलेगा मिजनर्स लेयर कहां पे होता है। तो यहां से क्या होता है? यहां से और एक प्लक्सस होता है जिनको हम बोलते हैं, यहाँ से और एक प्लक्सेस होते हैं। तो प्लक्सेस आपको समझ आया? तो यहाँ पे क्या होता है? और एक प्लक्स होता है, और उस प्लक्स को हम बोलते हैं मैसेनर्स, मैसेनर्स प्लक्स। क्या बोलते हैं? और ये भी क्या होता है? नेटवर्क होता है किनकी? इट इज अ नेटवर्क ऑफ व्हाट? नेटवर्क ऑफ नर्व्स। मगर यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे सिंपैथेटिक नर्व्स होता है, सिंपैथेटिक नर्व्स होता है। तो ये क्या काम करते हैं? इट कंट्रोल्स द इंटेस्टाइनल जूस। तो ये इंटेस्टाइनल जूस को कंट्रोल करता है, इंटेस्टाइनल जूस, जो भी इंटेस्टाइनल जूस निकलता है इंटेस्टाइनल ग्लैंड से, ये उसको कंट्रोल करता है। तो लास्ट लेयर जो है इसको हम बोलते हैं म्यूकोसा लेयर। तो क्या बोलते हैं? इट्स अ म्यूकोसा लेयर। तो यहां से मैं लिखूंगा इट्स अ म्यूकोसा लेयर। तो ये म्यूकोसल लेयर प्रेजेंट होती है इस पे। सो म्यूकोसल लेयर अगर हम देखेंगे इज अ म्यूकोसा, क्या है म्यूकोसल लेयर? आपको पता है ये इनर मोस्ट लेयर है। तो ये किसको करते हैं? यहां से ल्यूमन है, इट इज अ ल्यूमन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन।
ल्यूमन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, ये ल्यूमन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन को लाइन करती है। इसको इसलिए बोलते हैं म्यूकोसल लेयर बैक बिकॉज एक्चुअली इट कंटेन्स द म्यूकस सेल्स। म्यूकस सेल्स क्या करते हैं, म्यूकस सेल्स इसमें होते हैं, म्यूकस सेल्स और ऑल्सो कॉल्ड द गॉबलेट सेल्स। इनमें गॉबलेट सेल्स, ये म्यूकस सेल्स को गॉबलेट विच हेल्प इन द सिक्रीशन ऑफ द म्यूकस। क्या सिक्रीट करते हैं, ये म्यूकस सिक्रीट करते हैं, ये लाइन बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर ये गट है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये यहाँ से अगर हम देखेंगे ये म्यूकोसल लेयर जो है, ये जो मैंने अंदर से दिखाई ये ऐसे होते हैं म्यूकोसल लेयर। सो इट फॉर्म्स द लाइनिंग ऑफ द म्यूकस। क्या बनाती है, लाइनिंग ऑफ द म्यूकस ये बनाती है, दैट्स व्हाई वी कॉल द म्यूकोसल लेयर। सो अगर हम देखेंगे ये तो लाइन करता है, आया समझ में, तो अगर हम देखेंगे दिस लेयर फॉर्म्स इरेगुलर फोल्ड्स। इसमें भी क्या होते हैं, इरेगुलर फोल्ड, जैसे कि मैंने यहाँ भी दिखाया है म्यूकस लेयर है, इरेगुलर फोल्ड इनमें होते हैं। सो उन इरेगुलर फोल्ड्स को हम क्या बोलते हैं, रग्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रग्स। तो रग्स वैसे ही होते हैं जैसे कि स्टोमक में हमने देखा जो इरेगुलर फोल्ड्स होते हैं, इट हेल्प इन द यू नो इट इंक्रीज द एब्जॉर्बटिव सर्फेस ऑफ इट, गॉट इट। तो ये था सारा कुछ, इट वॉज ऑल अबाउट द एनाटमी। मगर अगर हम म्यूकोसल लेयर की बात करेंगे ना, म्यूकोसल लेयर अगर हम इस लेयर की बात करेंगे, इट इटसेल्फ गेट डिफरेंशिएटेड इन टू द थ्री लेयर्स। म्यूकोसल लेयर जो है इट गेट डिफरेंशिएटेड इन टू द थ्री लेयर्स। कौन कौन से थ्री लेयर्स, मैं बोल रहा हूँ ओनली थ्री, ये ना म्यूकोसा, क्योंकि मैंने पहले बोला जो आउटर लेयर है वो है सरोसा बिकॉज इट इज मेड ऑफ द सेरस मेम्ब्रेन। फिर मैंने बोला दूसरी लेयर जो है मसल लेयर है, इट इज मेड अप ऑफ द मसल फाइबर। कौन कौन सी मसल फाइबर, लॉन्गिट्यूडिनल मसल फाइबर, सर्कुलर मसल फाइबर। इन बिटवीन दीज टू लेयर्स देयर इज द प्लक्स, प्लक्स देयर इज अ नर्व्स एंड पैरासिम्पेथेटिक नर्व्स जिसको हम बोलते हैं, और बैचेस प्लक्स और माइंट्रिक प्लक्स होते हैं विच कंट्रोल द पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। चलो पहले सरोसा लेयर, फिर मसल लेयर, फिर तीसरा मैंने आपको बोला ये जो ब्लू डॉट्स मैंने डाला सब म्यूकोसल लेयर, फिर मैंने बोला म्यूकस लेयर। मगर जो म्यूकस लेयर है ना, इट गेट डिफरेंशिएटेड इनटू थ्री लेयर्स। म्यूकस लेयर ओनली अ सिंगल लेयर गेट डिफरेंशिएटेड इनटू द थ्री लेयर्स। व्हिच टाइप ऑफ लेयर, दैट इज अ म्यूकस लेयर। म्यूकस लेयर इटसेल्फ गेट डिफरेंशिएटेड इनटू द थ्री लेयर्स। व्हाट टाइप ऑफ थ्री लेयर्स, तो वी विल डिस्कस। सो अगर हम देखेंगे यहाँ से जो म्यूकोसा लेयर है, म्यूकोसा फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से बनाऊंगा ये म्यूकोसा लेयर, ऐसे बनाऊंगा मैं म्यूकोसा लेयर, क्योंकि मैं मुझे आपको दिखाना है कौन कौन से लेयर्स होते हैं। तो अगर मैं दिखा रहा हूँ तो ये पहले लेयर जो है म्यूकोसा लेयर मस्कुलरिस लेयर है, फिर मैं दिखा रहा हूँ दैट इज यू नो ये लेयर मैं दिखा रहा हूँ दैट इज व्हाट इट इज कॉल्ड एज अ लैमिना लेयर है, फिर मैं जो तीसरे लेयर दिखा रहा हूँ इस पे दैट इज व्हाट वी कॉल इट इज दैट इज एपिथेलियल लेयर। तो एपिथेलियल लेयर पे क्या होता है, विलाइज होता है। सो मुझे यहाँ से दिखाना है स्टूडेंट्स, ये अगर हम देखेंगे एपिथेलियल लेयर है, एपिथेलियल लेयर, ये जो दूसरा है दैट इज यू नो लैमिना, लैमिना प्रोप्रिया, PROPRIA, प्रोप्रिया, और ये जो है दैट इज अ मस्कुलर लेयर, सॉरी हाँ दैट इज अ मस्कुलर लेयर, मस्कुलरिस लेयर। जो ये मैं बोल रहा हूँ इट इज़ ओनली द यू नो म्यूकोसा लेयर, यही मैं म्यूकोसा लेयर का दिखा रहा हूँ, क्योंकि मैंने आपको बोला जो इंटेस्टाइन से होते हैं, मैंने आपको बोला इंटेस्टाइन में कितने लेयर्स होते हैं, पहला सरोसा होता है, फिर दूसरा जो होता है मस्कुलरिस लेयर होती है, फिर तीसरा जो होता है सब म्यूकोसा लेयर है, एंड द फोर्थ लेयर मैंने बोला था म्यूकोसा लेयर। म्यूकोसा लेयर के एक अगेन म्यूकोसा लेयर गेट डिफरेंशिएटेड इन द थ्री लेयर्स। किस किस लेयर में है, तो जो आउटर वन है दैट इज अ मस्कुलर, अगेन द muscular layer, it contains the muscle fibers. What type of muscle fibers? Longitudinal muscle fibers and circular muscle fibers. अब longitudinal muscle fibers कहाँ से होते हैं? Outer side से होते हैं mucosa layer के, और circular muscles inside, क्योंकि ये तो lumen है, lumen का मतलब होता है अगर ये small intestine है, ये इसका lumen है, lumen ये वाला part, ये अंदर से lumen हाँ। तो दूसरा जो है that is वही that is the lamina propria. Lamina propria किसको हम बोलेंगे? ये जो layer होते हैं ना, ये यहां से मैं दिखाऊंगा ये किसका बना होता है, लूज कनेक्टेड टिश्यू। इसमें क्या होते हैं, फाइबर्स होते हैं और डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं। तो लूज फाइबर कनेक्टेड टिश्यू का बना होता है, लूज फाइबर्स कनेक्टेड टिश्यू।